अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मीठे चावल का मीठा चीला शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। जिसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। 2 कटोरी आटे में हमने 1 कटोरी चीनी, जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से चीनी लिया है। नारियल हमने लिया है, तिल जिसे सेसमी भी बोलते हैं, 1 चुटकी नमक, चीला बनाने के लिए तेल, पानी। आइए फटाफट हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटे में हम चीनी डाल देते हैं, तिल, कोकोनट, नमक। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तला तैयार करना है, इस तरह हमें चीले का एक घोल तैयार कर लेना है। चलिए अब हम चीला बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल का यूज ज्यादा हमें नहीं करना है। यहाँ हम सरसों का तेल यूज करें, आप इसे रिफाइंड ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। तेल को हमें पैन में अच्छे से फैला लेना है, आटे को अच्छा सा घोल बनाना है जिससे इसमें गुठलियां ना पड़ी रहे, नहीं तो हमारा चीला बिल्कुल अच्छा नहीं बनके तैयार होगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल आपको तैयार करना है। अब इसमें हम बैटर को डाल देते हैं, इस तरह हमें घुमा घुमा के डालना है। चीले को हमें ज्यादा मोटा नहीं करना है। चीले को हमें मीडियम आंच पर पकाना है। अब हम चेक कर लेते हैं, चीला हमारा एक तरफ से पक चुका है। अब इसको हम पलट देते हैं, हमें इसे सावधानी से पलटना होगा, नहीं तो चीला हमारा टूट भी सकता है। इस तरह से हमने चीले को पलट दिया है। दूसरी तरफ से भी हमें दबा दबा के सेकना है जिससे आटा हमारा बिल्कुल कच्चा ना रह जाए। गैस का फ्लेम हम लो कर दीजिए।